आज के दौर में भारत में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो बेरोजगारी की समस्या है। अगर आज हम आंकड़े देखने जाएं तो भारत में युवाओं की बेरोजगारी 42% पर पहुंच गई है। बेरोजगारी के आंकड़ों में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आता है। 2022 में मैकिन्जी की एक रिपोर्ट ने ही कहा है कि भारत को अगर अपने सभी पढ़े लिखे युवाओं को, अगर अपनी सारी यूथ पॉपुलेशन को नौकरी देनी है तो 2030 तक भारत में 90 मिलियन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स की ज़रूरत है। लेकिन एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ युवाओं को नौकरियों की ज़रूरत है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं के लिए कोई भी रोजगार, युवाओं के लिए कोई भी नौकरी का प्रावधान नहीं हो रहा। अगर आज आप देखिए तो रोज रोज अखबार में खबर आती है कि जब कोई भी सरकार कोई छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी, चपड़ासी की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी निकालती है तो लाखों पढ़े लिखे युवा उस नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। जो पूरा हमारा शिक्षा तंत्र है वो आज के दिन में युवाओं को सिर्फ नौकरी की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये प्रयास है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से जो बच्चे निकल कर आए, जो युवा निकल कर आए, वो नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और इसी के तहत पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स का कार्यक्रम चल रहा है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को सीड मनी के पैसे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स खुद ग्रुप्स में मिलकर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं और जो टॉप 150 स्टार्टअप्स होते हैं उनको हम ओपन करते हैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने बिजनेस ब्लास्टर्स में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम आज युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करने की बात कर रहे हैं तो कुछ हमारे जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं उसके आंकड़े मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे एक बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत स्टूडेंट्स ने RKE मोल्ड्स, बॉटल्स के लिए मोल्ड्स का बिजनेस शुरू किया और आज के दिन में ये स्टूडेंट स्टार्टअप 20 लोगों को रोज़गार दे रहा है। इनके 20 एम्प्लॉयज़ हैं और हर महीने 13.5 लाख रुपए की इनकम इन स्टूडेंट्स की हो रही है। एक और स्टूडेंट्स के ग्रुप ने AK लॉजिस्टिक्स करके अपनी कंपनी बनाई, जो अब एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, लॉजिस्टिक सर्विसेज डोर टू डोर प्रोवाइड कर रही है और 12वीं से पास आउट होने के बाद ये स्टूडेंट्स 50 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। एक और हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप डार्क चोको बिट्स ने कस्टमाइज चॉकलेट्स का काम शुरू किया। ऑन एन एवरेज हर महीने 1 लाख रुपए की ये इनकम ये स्टार्टअप बना रहा है और 40 महिलाओं को रोज़गार दे रहा है। इसी तरह डिस्पोजल वाला करके एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप अब 20 लोगों को इनकम दे रहा है। वो इको फ्रेंडली कप्स, प्लेट, स्पून्स और ग्लासेस बना रहे हैं। और पढ़ाई वढ़ाई करके एक एजुकेशनल सेंटर्स का स्टार्टअप 10 लोगों को रोज़गार दे रहा है। अगर बच्चे जो स्कूलों से निकलकर 12वीं कक्षा से पास आउट होकर हमारे देश के युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं तो आप ये सोचिए कि अगर सही शिक्षा दी जाए, अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो हमारी देश भर की शिक्षा व्यवस्था से